हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फिश एक्वेरियम का इंस्टॉलेशन। सो फिश एक्वेरियम के इंस्टॉलेशन के लिए हम आपको दिखाएंगे कि कौन सी चीज़ आपको ज़रूरी है एक्वेरियम में इंस्टॉल करने के लिए, और ये इनके क्या क्या प्राइसेस हैं और किस प्राइसेस पे ये मार्केट में अवेलेबल है। सो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको फिश एक्वेरियम के इंस्टॉलेशन से पहले आपके पास रेडी होनी चाहिए। सो मैं आपको बता देता हूँ ये सारी चीज़ें क्या हैं। ये है वाटर फिल्टर, एक्वेरियम में लगता है फिल्टर, और ये प्राइसेस में वेरी करता है। अभी मैं आपको इन सारी चीज़ों के प्राइसेस बताता हूँ, इनके प्राइसेस क्या क्या हैं। ये है बहुत बेसिक सी चीज़ जिसको हम बोलते हैं एयर फिल्टर। एयर फिल्टर में क्या है, आपने इफेक्ट देखा होगा एक्वेरियम के बीच में कि उसमें से बबल्स वगैरह निकलते हैं, सो वो इसी के कारण निकलते हैं। और ये जो आगे एक्सटेंशन और ये पाइप के साथ लगा हुआ है एक्सटेंशन, इससे बबल्स बाहर आते हैं। सो प्लग एंड प्ले है, यहाँ पे आपको स्विच बोर्ड में ये इसको लगा देना है और ये चालू हो जाएगा। एक बार जब हम इसको इंस्टॉलेशन करके एक्वेरियम में लगा देंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये कैसा इफेक्ट देता है। बाकी अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये स्टार्ट होता है 100 रुपीज़ से लेके 300 रुपीज़ तक, और अगर आपके एक्वेरियम के ऊपर डिपेंड करता है, आपका एक्वेरियम ज़्यादा बड़ा है और आपको ज़्यादा बड़ा लेना है या एक से दो लेने हैं या एक्सटेंशन के साथ लेने हैं, तो ये आपको 100 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 500 रुपीज़ तक जाता है। जो मैंने लिया है ये मेरे को पड़ा है 150 रुपीज़ का। इसमें ये पाइप एडिशनल है, ये इसके बहुत मिनिमल से चार्जेस होते हैं 10 रुपीज़ का, और ये जो एक्सटेंशन है ये आपको 10 to 20 रुपीज़ में मिल जाता है। बाकी फिर हम बात करेंगे एलईडी लाइट, क्योंकि अगर आपका एक्वेरियम आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें लाइट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, वरना मछलियाँ दिखाई नहीं देंगी रात में, और ये कुछ अच्छा इफ़ेक्ट भी देता है एक्वेरियम को। सो ये लाइट्स जो हैं, ये मैंने LED लाइट्स ली हैं। पहले क्या होता था, आपने देखा होगा कि ट्यूब लाइट सॉर्ट ऑफ एक पाइप आता था और उसकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने चल के ख़त्म हो जाता है। सो यहाँ जो हमने लाइट ली है ये LED लाइट्स हैं, ये मल्टी कलर हैं अभी तो, लेकिन जब ये चलेगा तो चलने के बाद ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत एक ब्लू लाइट सा इफेक्ट देता है एक्वेरियम में। लगाने के बाद आपको दिखाएंगे कि ये कैसा दिख रहा है। और इसका जो प्राइस है ये मेरे को पड़ा है मार्केट से 200 रुपीज़ का। इसकी हाइट वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, करीबन एक फिट या 1 फिट से ऊपर ही है। बाकी आगे बढ़ते हैं। ये है आपका फिल्टर एक्वेरियम में लगाने के लिए, जिससे कि जो भी गंदगी वगैरह होती है उसको ये खींच के निकाल लेता है। सो इसमें आपको अंदर जो मिलता है वो कुछ इस तरीके का होता है, आपको दिखा देता हूँ। सो ये होता है स्पॉन्ज। सो ये डिटैचेबल पॉइंट्स आते हैं, जिसमें कि यहाँ से पानी अंदर जाता है, यहाँ से फिल्टर होता हुआ और इस जगह से बाहर आ जाता है। इसमें एक एक्सटेंशन भी है जिसमें कि आप प्रेशर, अगर आप प्रेशर रखना चाहते हैं एक्वेरियम में, तो ये प्रेशर से ही पानी बाहर निकालेगा। बाकी अगर आप नॉर्मली पानी गिरता हुआ या आपने देखा होगा वाटरफॉल जैसा कुछ इफेक्ट डालना हो, तो ये आप आगे एक्सटेंशन लगा सकते हैं। ये पानी को बहुत ईजिली नीचे गिराता रहता है, जो एक बहुत अच्छा सा इफेक्ट देता है एक्वेरियम के अंदर। बाकी ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी फ़िश के लिए फूड, टोया कंपनी का, जो कि चाइनीज़ ही होते हैं, चाइनीज़ या जापनीज़ वगैरह फूड्स ही हैं, बट यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है मेड इन भारत। तो ये अच्छी चीज़ है कि कुछ चीज़ें अब बाहर से नहीं आ रही हैं, इंस्टेड ऑफ इम्पोर्ट करने के हम यहाँ इन्हें भारत में ही बना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें थी जो कि बाहर से आ रही थी और भारतीय पैसा बाहर जा रहा था, तो ये अच्छी चीज़ है कि भी कुछ चीज़ें यहाँ भी बनने लगे हैं। ये 200 ग्राम्स का पैकेट है और इस पैकेट का जो प्राइस है, यहाँ प्रिंट है 130 रुपीज़, बट आपको अगर मार्केट से जाएंगे तो आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। बाकी मैंने आप सबको ये बता ही दिया कि ये क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और ये कैसे कैसे मिलते हैं, किस प्राइस पे मार्केट में अवेलेबल हैं। बाकी इंस्टॉलेशन के लिए आगे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैं अभी कौन सी मछलियाँ लेके आया हूँ या कौन सी ब्रीड की मछलियाँ लेके आया हूँ और उनके क्या प्राइसेस हैं। सो जानने के लिए आगे बने रहिए। एक्वेरियम साफ कर चुके हैं, उसमें मैंने एक्वेरियम का फिल्टर है वो लगा लिया है। मेरे हाथ में है ये एयर फिल्टर, इसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। बाकी चीज़ें मैं अभी आपको जल्दी जल्दी दिखाता रहूँगा कि वहाँ क्या करना है, और एक बार जब ये चालू हो जाएगा तो आपको दिखाते हैं कि चालू होने के बाद ये कैसा लगता है।
इंस्टॉलेशन हो चुकी है पूरी और एक्वेरियम दिख रहा है कुछ इस प्रकार से। अभी हम इसमें मछली छोड़ने वाले हैं, तो जो मैं मछली लेके आया हूँ वो पेड़ लेके आया हूँ ऑस्कर का, तो अभी आपको दिखाते हैं इसमें मछली। तो फिश आ गई है एक्वेरियम के अंदर और एक्वेरियम कुछ इस हिसाब से लग रहा है। इसको इंस्टॉल करने में बड़े भाई साहब ने बहुत मेहनत करी है, माता श्री ने भी करी है और ये कुछ इस हिसाब से लग रहा है देखिए। सो जो मछली की ब्रीड मैं आपको बता दूं, ये जो मछली है ये है ऑस्कर और ये है टोयो। टोयो बताया था, क्या बताया था, मैं इसका नाम बोल रहा हूँ इस मछली का पेयर। सो ये जो ऑस्कर फिश है इसका पेयर मेरे को पड़ा है 500 रुपीज़ का और जो दूसरी फिश आप देख रहे हैं उसका पेयर मेरे को पड़ा है 100 रुपीज़ का। सो ये 600 रुपये में दोनों मछलियाँ मेरे को मिल गई हैं, मतलब चारों मछलियाँ मेरे को मिल गई हैं और बाकी जितना भी इक्विपमेंट्स आया था मैंने आपको बता ही दिया था कितने रुपये का क्या है। सो इंस्टॉलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्रिएटिविटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने